क्या आप MHT CET के स्कोर पे IIT लेवल का कॉलेज चाहते हैं? बराबर, तो इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम उसी कॉलेज के बात कर रहे हैं जो किसी IIT से कम नहीं है। आपने तो नाम सोचा ही होगा और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। और इसका नाम अभी बदल गया है, इसका नाम है COEP, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी का ये रूप आ गया है इस कॉलेज को। कैसे आ गया है, क्या है यूनिवर्सिटी का नाम, क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। बराबर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए और आप तो जानते होंगे महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग का COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और सबसे पुराना कॉलेज है। कौन नहीं चाहता इसमें एडमिशन मिले और इससे इंजीनियरिंग हम करें। और हर हर किसी का सपना होता है। बराबर, तो सारी चीज़ें, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं बोल सकती कि इस कॉलेज के बारे में निगेटिव है, सारी की सारी पॉजिटिव है। बराबर, इवन कई IIT कॉलेज से भी ये कॉलेज बेटर है कई मामलों में। बराबर, वैसे हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, किसी कॉलेज को नीचा किसी कॉलेज को ऊपर नहीं दिखा रहे, लेकिन IIT से ये कॉलेज कम नहीं है, ये मैं अभी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और कई लोग इससे एग्री भी करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो इतना सब कुछ है तो इसका कट ऑफ भी ज़्यादा होगा और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे और जो भी है बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ देखेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा लोगों के पास। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचेगा तो सबको हेल्प होगी इस कॉलेज के बारे में, जो जो जानना चाहता है। बराबर, तो देख सकते हो, एक रेफरेंस के लिए बिल्डिंग का मैंने पिक्चर भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो बिल्डिंग देखते ही आपको पता चल जाता है, इसकी जो मेन बिल्डिंग है अभी भी पत्थरों में है। बराबर, ये काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने पहले बोला आपको, COEP, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1854, 1854 इसका एस्टैब्लिशमेंट है, तो इससे समझ सकते हो ये काफ़ी कितना पुराना कॉलेज है, मतलब ये पहला ही कॉलेज है जो इतना पुराना है इंजीनियरिंग का पुणे में। बराबर, तो उसके बाद DTE कोड देख सकते हो, 6006 ऑफिशियल का इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, 2550 7000, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। पुणे रीजन है डिस्ट्रिक्ट और DTE रीजन भी पुणे ही है। बराबर, एड्रेस देख सकते हो आप, शिवाजी नगर, मतलब ये जो कॉलेज है ये सेंट्रल लोकेशन में, पुणे का जो सेंट्रल सिटी का लोकेशन है वहाँ पर ये कॉलेज है। बराबर, शिवाजी नगर एक सेंट्रल एरिया है पुणे का। पिन कोड देख सकते हो और वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर स्टेटस की बात करें तो सबसे पहला ये कॉलेज है जिसका स्टेटस मुझे यूनिवर्सिटी दिखा है। बराबर, क्योंकि हर एक कॉलेज में क्या होता है, एक तो स्टेटस क्या होता है इसका, हमने बाकी कॉलेज में क्या देखा था कि यहाँ पर ऑटोनोमस या नॉन ऑटोनोमस होता है। बराबर, और यहाँ पर नॉन, और यहाँ पर क्या होता है, एडेड या अनएडेड गवर्नमेंट, ऐसा कुछ। लेकिन इसका स्टेटस क्या है, यूनिवर्सिटी स्टेटस है, मतलब एक खुद की एक यूनिवर्सिटी है। तो कैसी यूनिवर्सिटी वो भी हम देखेंगे। बराबर, तो आगे बात करते हैं इसका लोकेशन के बारे में। तो रेलवे स्टेशन जो है पुणे का, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, सिर्फ चल के जा सकते हो। शिवाजीनगर का बस स्टैंड जो है वहाँ से भी 0.5 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर, मतलब 5 मिनट में आप चल के जा सकते हो। एयरपोर्ट जो है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी यहाँ से, और यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको, पुणे यूनिवर्सिटी नहीं है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी, यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये अलग ही है। बराबर, तो काफ़ी सारे बच्चे समझते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी है वगैरह, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हॉस्टल की अगर बात करते हो तो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है यहाँ से। ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल की अगर बात करते हो, 1160 इनटेक है बॉयज़ हॉस्टल का, और फर्स्ट ईयर के लिए 320 सीट से। और गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हो तो 864 यहाँ पर टोटल इनटेक है, और फर्स्ट ईयर के लिए 176 सीट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। तो सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, और मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी ये भी है। तो ये नीचे वाले जो दो कोर्सेज हैं मुझे इसी कॉलेज में दिखे हैं, जितने सारे के सारे पुणे के कॉलेज हमने रिव्यू कर दिए हैं। बराबर, तो उसमें ये पहली बार मुझे ये दो कोर्सेज दिखे, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग भी ज़्यादा कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, बाकी कोर्सेज तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 1992 से यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स चल रहा है, इलेक्ट्रिकल 1932 से। बराबर, 1914 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1948 से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है यार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो उन्होंने अपने अपनी वेबसाइट पे बोला है कि आवर रिक्रूटर्स कौन से कौन से, तो वीडियो पॉज करके आप कंपनी के नाम पढ़ लेना, आपको बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, IBM, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, टाटा एलेक्सी, यहाँ पर A2S ओरिजिन, उसके बाद सेंटेल,
कमिंस है, थर्मैक्स है, मतलब हर एक कैटेगरी के, हर एक सेक्टर की कंपनियां है, मैकेनिकल की है, आईटी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि याहू कंपनी का नाम है, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल कंपनियां बड़ी बड़ी, ठीक है। तो बहुत सारी गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों में भी यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट यहाँ के सिलेक्ट होते हैं। तो प्लेसमेंट की और बात करते हैं, तो पिछले साल का हम प्लेसमेंट का एग्जैक्ट डेटा देते हैं। तो कंप्यूटर ब्रांच का 149 स्टूडेंट में से, बराबर, अंडर ग्रेजुएट मतलब कितने थे, 136, बराबर। तो 91% प्लेसमेंट हो गया। ये पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का है, उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है। फिर भी आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का देख रहा है तो वो भी देख सकता है। और ENTC का इंजीनियरिंग का देखते हैं तो 95% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल का 77%, प्रोडक्शन का 81%, इलेक्ट्रिकल का 82%, बराबर, मेटलर्जी का 82%, सिविल का 40%। और यहाँ पर प्लानिंग, बैचलर ऑफ प्लानिंग करके भी एक कोर्स है, अलग है वो कोर्स, ठीक है। वो इंजीनियरिंग के इस कॉलेज में नहीं आता, अलग इनका एक वहाँ पर विंग है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो एडमिशन अगर आप चाहते हो बैचलर ऑफ प्लानिंग करना, तो उसका भी प्लेसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कंपनीज कितनी विजिट हुई थी, 210 कंपनियाँ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉलेज की वेबसाइट पे उन्होंने दिखाया है। तो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है 2022-23 का, अभी करंट वो आपको मैं बताता हूँ। तो ओपन कैटेगरी अगर देखा जाए तो टोटल अगर आप मिलाते हो तो नीचे जब आओगे आप, टोटल कॉलेज फी 90,000 रुपीज़, बराबर। और TFWS कैटेगरी 75,000, उसके बाद SC ST कैटेगरी 9,000 के आसपास है, उसके बाद OBC SB जिनको 50% कंसेशन है उनको 49,000 के आसपास, EBCWS 82,000, ठीक है। जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स 34,000 बोल रहे हैं, PMSSS कैटेगरी में से 10,000 है, बराबर। तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना आप कौन सी कैटेगरी में आती हो, आपको पता होगा। तो हॉस्टल का डिपॉजिट 5,000 है सब के लिए, और हॉस्टल की फ़ी है 35,000, मतलब हॉस्टल 40,000 आपको एक साल का हॉस्टल का फ़ी है, जिसमें से 5,000 आप जब हॉस्टल छोड़ोगे तब वापस मिलेगा, जो कि डिपॉजिट होता है। आगे बात करता हूँ मैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर भी यहाँ पर आपको अगर एडमिशन लेते हो, डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग जो कि अंडर ग्रेजुएट SY BTech मतलब डायरेक्ट एडमिशन जो होता है SY में, उनका फीस स्ट्रक्चर है। वीडियो पॉज करके सेम फीस स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ इस कॉलेज का, बराबर। तो लास्ट, अब तो पता है इस कॉलेज में, सबसे पहले मैं बता दूं JEE से एडमिशन नहीं होता है। अब तक जितने भी कॉलेज हमने देखे सबका JEE का कट ऑफ अवेलेबल था, लेकिन इस कॉलेज का JEE का कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एडमिशन MHT CET के स्कोर पे होता है, ठीक है, ओके। तो कैटेगरी वाइज सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग जहाँ पर एडमिशन, एक भी एडमिशन नहीं हो रहा है किसी कॉलेज में, बराबर, 90% सीट्स खाली है, इस कॉलेज में 98% सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, बराबर। तो आप समझ सकते हो कंप्यूटर IT का कितना होगा, कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ मैंने अवेलेबल किया है, EWS TFWS का 98% है, तो 98-99 इसके आसपास ही कट ऑफ होगा। आप देखते हैं, आपको जादू दिखाता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखिए 99, यहाँ पर 99.9% था, उसको मैंने राउंड ऑफ 99 किया है, मतलब लगभग 100% के आसपास, ठीक है। तो SC का सब कैटेगरी हो, कोई भी हो, सब का कट ऑफ 99% ही है। ST का थोड़ा सा कम है, 95% कैप राउंड 1 का, ठीक है। तो EWST सब का 99 पकड़ के चलो, और 99.98 ऐसा भी होता है, इसके आगे पॉइंट भी है, ठीक है, मैंने सिर्फ 99 दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अगर ओपन कैटेगरी में आपका 99% भी है तो भी यहाँ पर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस नहीं है, समझ रहे हो आप बात को, 99.9% चाहिए तभी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए काफ़ी लोगों का सपना होता है, क्योंकि सब लोग पहला कॉलेज जिसको 99% होगा सबसे पहले ये कॉलेज ट्राई करेगा, ये नहीं मिला तो बाकी कॉलेज, ठीक है। इसलिए इसका कट ऑफ यही इतना ही लगने वाला है, इसी साल भी मैं बता देता हूँ, और आँख बंद करके कोई भी बता देगा इसका कट ऑफ इतना ही लगेगा, 99% है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का भी देखो 99% है, जहाँ पर बाकी कॉलेज जो होते हैं प्राइवेट उनमें इलेक्ट्रिकल में कोई एडमिशन नहीं लेता है, सारे कोर्सेज इसका ENTC का भी देखो 99% है, ठीक है। मतलब कई लोगों का ये होता है मुझे कोई भी कोर्स मिले लेकिन मुझे COEPC करना है इंजीनियरिंग, बराबर, कोर्स कोई भी मिले, ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। तो हर कोर्स यहाँ पे फुल होगा और हर कोर्स का ज़्यादा ही होगा कट ऑफ, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का 97%, ठीक, और मेटलर्जी एंड जो भी है इसका भी 96% है, बराबर। तो 90 कोई भी कोर्स अगर आपको इसमें से लेना है तो 95% के ऊपर है तो आपको कोई एक कोर्स मिलेगा, और अगर आप कंप्यूटर चाहते हो, ENTC चाहते हो, बराबर, तो आपको 95% भी मिलने के चांसेस बहुत कम है, बराबर। लेकिन 95% के ऊपर अगर आपके हैं और आप कैटेगरी के अंदर वगैरह आते हो
तो यहाँ पर कोर्सेज एक दो एक परसेंटाइल इधर उधर आपका मतलब मैच कर रहा है तो आप ज़रूर अप्लाई कर लेना, नहीं मिला तो ठीक है तो और कोई कॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप कोई और जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कॉलेज के बारे में। ये वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए एडमिशन के लिए जानना है इस कॉलेज के बारे में, जितनी तारीफ करें, जितनी मतलब इस कॉलेज के बारे में अगर बातें करने लगो तो एक घंटा भी कम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जितनी आपके लिए ज़रूरी है उतना मैंने बता दिया आपके लिए। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, और सारे के सारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस पुणे के अवेलेबल है, अलग प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, आपको हेल्पफुल होगा एडमिशन के दौरान, आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। हर एक के स्कोर के हिसाब से, एमएचटी सीईटी के स्कोर हो, जेईई का स्कोर हो, उसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो सीरीज बनाया हूँ। और ये लास्ट कॉलेज था इस सीरीज में से। ठीक है, कुछ कॉलेजेस अगर पुणे के बाहर के हैं, कुछ जो अगर छूटे हैं तो उनके भी वीडियो आ जाएंगे, लेकिन सारे के सारे कॉलेजेस कवर कर लिए हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये लास्ट कॉलेज बचा था सीओईपी, उसका भी इस वीडियो में हो गया है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज कोई भी हो इंजीनियरिंग में, आप एट फ्रॉम द स्टार्ट आपके एडमिशन से लेके कोई भी कॉलेज हो आपका, आपके करियर तक ये चैनल आपको हर कदम हेल्प करेगा। कैसे करेगा आपको सारी बातें पता चलेंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो खुद आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो, जिसको भी ज़रूरी लगता है आप यू कैन शेयर इट। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।